नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी भारत में स्वागत है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लामता में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहां जैन मंदिर में लाखों रुपए की कीमत के चांदी के छत्र और अन्य चीजें चोरी हो गई। इसके बाद जब चोर का दिल पसीज गया तो वह सारा सामान मंदिर के पास छोड़ गया। उसने खत लिखकर माफी भी मांगी। इस माफी नामे में लिखा कि इस चोरी के बाद मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। जानकारी के अनुसार थाना लामटा के बाजार चौक स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सोमवार रात अज्ञात चोर ने जैन मंदिर से चांदी के 9 छत्र व अन्य चीजें चोरी कर ली थी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के बाद पूर्व में हुई चोरी के आरोपों और अन्य संदिग्धों पर लगातार दबाव बनाना शुरू किया। इसके बाद ही मंदिर से चोरी किया गया सामान एक स्थान से बरामद हो गया। ये सामान पंचायत भवन के पास गड्ढे में रखा मिला। बताया जा रहा है कि जैन परिवार के लोग जब पानी भरने के लिए नल के पास पहुंचे तो गड्ढे में एक थैला दिखा। थैले को देखा तो उसमें कुछ चांदी की चीजें नजर आई। इसके बाद जानकारी जैन समाज और पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त कराई। दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि नल के पास मिला सारा सामान जैन मंदिर का है, जो कुछ समय पहले चोरी हो गया था। इसके बाद जैन समाज ने बैंड बाजे के साथ भगवान के मंदिर में सारी चीजें पहुंचाकर स्थापित की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और चोर का पता लगाया जा रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए वीडी टीवी भारत से जुड़े रहे। नमस्कार।